हाय दोस्तों, आर्नोदा फ्यूचर के लिए आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम भुट्टो और जरदारी फैमिली के हाथ देखेंगे और सिमिलैरिटीज देखेंगे उन सबके हाथों में। तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी का हाथ देखेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हुए हैं। तो इनका अगर आप हाथ देखें तो ऐसा जो हाथ होता है, ये काफ़ी क्लेवर लोगों का होता है। इनकी जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हैंड। ये काफ़ी क्या कहते हैं, इम्पल्सिव है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके साथ ही अगर आप देखें कि ये जो लाइफ लाइन और हेडलाइन है, ये शुरू में जुड़ी हुई है, जो एक कॉशियस नेचर दिखाता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो लाइफ लाइन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सन लाइन निकल रही है। तो जब लाइफ लाइन से सन लाइन निकलती है तो इसका मतलब होता है कि बंदा अपनी क्लेवरनेस यूज़ करके आगे जाता है। ये ज़्यादातर मैंने काफ़ी मिलियनर्स में वैसे ये देखे, ये भी काफ़ी रिच हैं, क्योंकि ना जो सनलाइन है वो लाइफ लाइन से निकलती है, ये लाइफ लाइन है। तो ये काफ़ी बंदे को क्या कहती हैं कि ये क्लेवरनेस यूज़ करने से, बाकी चीज़ यूज़ करने से उनको अमीर बना देता है। बाकी जो फेट लाइन है वो मून से आ रही है, जो कहता है कि बंदा जो स्पाउसल सपोर्ट से आगे जाता है। तो मैं काफ़ी क्या कहते हैं, बेनजरी से शादी करने के इनको बहुत फ़ायदा होता है। और फेट लाइन अगर आप देखें वो जा रही है ऐसे कर्व करिए जुपिटर की तरफ, जो होती है लीडरशिप का साइन। तो इसको मतलब जिनका भी ज़्यादातर यहाँ पे शिफ्ट होता है जुपिटर की तरफ, उनका मतलब के या लीडरशिप की तरफ, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए थे, एंड जो रिजल्ट होता है स्पेसिफिकली एंड के तरफ ये जा रही है। तो उसमें इनको एक बहुत बड़ी लीडरशिप मिलेगी। उसके साथ ही जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड है, तो काफ़ी दिखाता है कि जो बंदा है वो हाई पोजिशन पर रहता है मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। ज़्यादा अगर आप देखें फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा है, अपर मार्स बहुत ही डेवलप्ड है। तो ये काफ़ी बार जेल भी गए हुए हैं, बट इन्हें ईच टाइम कम बैक भी किया हुआ है। और बस इनको अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे इनकी एज का नहीं पता, बट ये जो यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ये हो सकता है ये जा रही हो क्या कहते हैं 80 में या 85 में। तो इसमें बस इनका जो कोई हेल्थ का काफ़ी लाइक लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो सकता है, क्योंकि एक बस ये लाइन जो ऐसे काट के लाइफ लाइन को, उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना। बस ये पुरानी पिक्चर तो हो सकता है कि चेंज हो गया हो जो पहले इंडिकेशन थी। अच्छा, अब हम देखते हैं बिलावल का हाथ। तो अगर बिलावल का हाथ नोटिस करें, एक सेकेंड सर, तो बिलावल का हाथ नोटिस करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी जो हेडलाइन और लाइफ लाइन है वो काफ़ी देर तक जुड़े हुए, मतलब एक्सट्रीमली ज़्यादा देर तक। तो ये दिखाता है कि 40 तक ये मतलब कि इनको बहुत लोग कहते हैं कि ये बस एक स्पोक्स पर्सन है, इनमें होती इतनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। तो ये भी हो सकता है ट्रू, क्योंकि काफ़ी देर तक जुड़ी हुई है। तो मैं कहूँगा कि ये ना जब तक 40 के नहीं होंगे तब तक ये शाइन नहीं करेंगे, मतलब कि अपने आप से इंडिपेंडेंटली शाइन नहीं करेंगे। तो उसमें क्या कहते हैं कि ये अभी तक आई थिंक ये शुरू 30s के होंगे, 30s नहीं होता, बट काफ़ी टाइम है जिसमें ये एकदम से अपने ऊपर खड़े होंगे। अभी काफ़ी ये जैसे इनका अपने हाथ देखा, तो ये ऐसे यूजली लोगों का हाथ होता है जो अमीर फैमिली से आते हैं, क्योंकि इनकी जो फेडलाइन भी है वो काफ़ी मतलब यहाँ से निकली, बट काफ़ी लाइट है और हेडलाइन भी नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, जो कहती है कि पर्सनैलिटी जो है वो इजी गोइंग है, बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बचपन में। ये एक ये जो हार्ट लाइन है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये हो रही है सैटर्न के नीचे, जो कहते हैं कि बंदा मतलब के पैसों में क्या कहते हैं, पैसों को क्या उनको मैनेज करने में अच्छा है। इन्हें कोई भी वैसे अभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं की अपने हार्ट से रिलेटेड, कोई एकदम से अफेयर नहीं चलाया, कोई स्टेबिलिटी शादी नहीं की। तो ये भी इसका इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो हार्ट लाइन है ये बंदे को बहुत सेल्फ कंट्रोल देता है। उसके साथ ये भी जो लाइनें काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो फैमिली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हैरानी बात नहीं है कि ये अभी इस फील्ड में, क्योंकि जब लाइन्स जुड़ी होती हैं तो बंदा इंडिपेंडेंट आदमी कारोबार करता है जब तक वो 40 का होता है। अच्छा, तो ये है। इसके साथ ही अगर थोड़ी लेजीनेस भी है, उससे काफ़ी ओवरवेट भी है, क्योंकि जो मून माउंट और वीनस माउंट में काफ़ी डेवलप्ड है। तो ये लोग जो होते हैं ये ईटिंग के बहुत शौकीन होते हैं। इसके साथ जो इनकी फिंगर टिप्स है ना, ये इनको कहते हैं सेंसिटिव पैडिंग। तो अगेन मुझे लगता है इसलिए भी इनका राइज लेट होगा लाइफ में, क्योंकि जिनकी सेंसिटिव होती है ना पैडिंग,
वो थोड़ी सी छोटी सी बातों पे ना वो चिढ़ जाते हैं वगैरह, तो ये लोग भी काफी सेंसिटिव होते हैं। तो बंदा जितना ग्रो होता है उतना वो कम सेंसिटिव होता है। तो ये इनकी थी। अच्छा, तो बेनजीर भुट्टो की काफी इंटरेस्टिंग है कि ये तो एक तो हैंड की पिक्चर, मैंने इनकी हैंड प्रिंट की फोटो भी निकाली है, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, तो जो लाइफ लाइन के पास ये जा रही है, आप देखें ये लाइफ लाइन है जो मैंने पहले ड्रा की थी, फेस लाइन है, तो बहुत ही करीब जाती है। जो दिखाता है बंदा या तो अपने कंट्री में काम करता है और अपनी कंट्री से मशहूर होता है, या वो फैमिली रिलेटेड कोई जॉब करता है। तो हाँ, इनका अबू भी लाइक लीडर रहता है पाकिस्तान के, तो ये भी देखें कितनी क्लोजली जा रही है लाइन। तो ये दिखाता है कि शुरू में क्या कहते हैं कि मतलब इनका जो बंदा है वो फैमिली को ही फॉलो करता है और उसी फील्ड में जाता है। उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो है अगेन ये इंडिकेशन, ये मैंने देखा है सारे अभी फैमिली मेंबर्स में, ये है कि ये काफी देर तक जुड़ी रहती है। तो इनका तो हैरानी बात नहीं है कि इनकी जुड़ी रही, क्योंकि इनके जो काफी चेंजेस आए थे लाइफ में, काफी अब्रॉड जाना पड़ा बचपन में, और अभी ये वैसे इतनी क्लियर नहीं है पिक्चर, ये काफी लाइक कहते हैं कि वो है डिस्टर्ब है शुरू में, जो इनको हेल्थ प्रॉब्लम सी काफी रहती है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है ये मैं अभी एक और पिक्चर दिखाऊंगा उसमें, मगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो फेट लाइन है ये मतलब कि बिल्कुल डिम होती जा रही है, जैसे आगे जाते जा रही है, जो कह रही है लॉस ऑफ थोड़ी एनर्जीज। इनका जो वीनस पॉइंट, इनका जो है लोग लगाते भी है कि ये करप्टी वगैरह, तो इनका ये मैं इंडिकेशन देख सकता हूँ कि जो इनका हाथ है ना उनमें काफी मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज है। एक तो वीनस इतना वो नहीं है डेवलप्ड, दूसरा अगर आप देखें कि जो मून माउंट है वो मतलब कि जिनका ऐसा मून माउंट होता है ना जो डेवलप नहीं होता, उनको कहते हैं मटेरियलिस्टिक। तो पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो ऐसे उभरा हुआ होता है ना, तो उनके लिए इतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, और इनके लिए स्टेटस सिंबल्स पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी डिक्टेटर लाइक क्वालिटीज भी थी, क्योंकि जुपिटर माउंट एक्सेप्शनली डेवलप्ड है। जो कहते हैं थोड़ा बहुत बंदा क्या कहते हैं वो इगोटिस्टिक और अपनी वो बस बात सुन जाता है। उसके साथ ही ये जो फिंगर टिप्स हैं ये पॉइंटेड है, जो बंदे को बहुत आइडियलिस्ट बनाता है। तो इनके हाथ में काफी चीजें थी जो एक लीडर के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जो असल में बंदे को थोड़ा वो क्या डिक्टेटर की तरह बना देता है। अच्छा, तो अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैंने दिखाना था कि ये एक हैंड प्रिंट फोटो है, ये मैंने ये कॉपीराइटेड है, तो मैंने इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप देखें ये जो इनकी यहाँ पे है, ये मतलब के सैटर्न माउंट होता है जिधर फेट लाइन एंड होती है, और उधर मतलब के जो पॉइंट है जब हार्ट लाइन बोलते हैं, ये हार्ट लाइन है जो पॉइंट है जब हार्ट लाइन बोलती है वो है 53, और ये 54 की एज में खुद हुई थी। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ना लाइंस बन रही है, ये अगर आप देखना यहाँ पे से करके लाइंस बन रही है जो बार्स है, तो ये जब ऐसे बार्स होते हैं तो इसका मतलब है कि लाइफ को बहुत खतरा होता है 50 एज में। इसका ये भी मतलब होता है कभी कभी कि इम्प्रिजनमेंट, स्पेशली या तो पूरी लाइफ में या स्पेशली ये 53 के बाद। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि इनकी डेथ क्यों इस वक्त हो गई थी, क्योंकि डेथ ना होती तो कोई और प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे इम्प्रेजमेंट, जेल में रहना है किसी रीजन की वजह से। तो ये एक शायद इंडिकेशन भी हो इनकी ऐसी डेथ कैसे होगी। अच्छा, अब अगर हम जुल्फिकर अली भुट्टो का हाथ देखें, तो अगेन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हाथों में जो टेंडेंसीज होती हैं वो हम फैमिली से क्या कहते हैं इनहेरिट करते हैं। तो इनकी भी सबसे पहले अगर देखें तो जो लाइफ लाइन और हेडलाइन है वो जुड़े हुए हैं, जैसे बाकी सब जो जरी तो वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे, बट अगर आप बिलावल और उनको भी देखें तो उनकी भी ये दोनों जुड़ी हुई है, जो कहते हैं मतलब कि बहुत कॉशियस नेचर है। इनकी भी एक है और मिलती चीज कि इनके पॉइंटेड फिंगर टिप्स है, ये बंदा इतना बहुत आइडियल लिस्ट बना लेता है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए उस तरह नहीं हो चाहिए। तो इसमें क्या बंदे को प्रॉब्लम होती है कि वो ना काफी फिर फॉल डाउन कर लेता है, मतलब कि जब वो पोजिशन ऑफ पावर में आता है तो वो बहुत ऐसे डिसीजन लेना शुरू हो जाता है जो कि मतलब कि ऐसा नहीं होता, मतलब कि वो कहीं भी ना वो नहीं करता है, लिहाज नहीं करता दूसरे बंदे का। तो इनके लिए भी पावर जो होती है ना काफी डेंजरस होती है, अगर ये कोई सेकेंडरी पोजिशन में रहता है शायद ये सही रहता है। उसके साथ एक और चीज़ है कि मर्करी फिंगर बहुत लंबी है, जो बंदे को बहुत अच्छा स्पीकर और राइटर बनाती है, और ये स्पीकिंग में तो काफी अच्छा था। अच्छा, तो इसमें
क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम इंडिकेशन है यहाँ पे फेट में, और यहाँ पे दो बार्स हैं जो दिखाते हैं। तो ये 53 ऑनवर्ड्स के बाद प्रॉब्लम दिखाते हैं बंदे की फिफ में, और कभी कभी 50 में भी। तो मैं इनका वो चेक किया था कि अगर आप देख रहे हैं ये जो हार्ड लाइन और फेट लाइन का इंटरेक्शन है, तो टाइमिंग्स होते हैं हर चीज़ के। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हेडलाइन से जब होती है तो वो मतलब कि हेडलाइन पे होती है तो 35, तो यहाँ पे जब होती है तो थोड़ा लोग 50 कहते हैं, बट यूजली 53 होती है। बट इनकी एनी वे फिर भी जो भी एज अबव 50 होती है ना, उसमें फिर लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर ये फेट लाइन है, उसके साथ ये जो दो काट है ना बाहर, ये होती है इम्प्रिजनमेंट और डेथ, तो बहुत सिमिलर है टू बेनजीर। तो बहुत अजीब बात है कि दोनों ने मतलब ये बेनजीर और उनके अपने इनहेरिट किए हैं ये लाइन्स। तो मैं वही इनहेरिटेंस के तौर पे ये वीडियो बनाई थी कि काफ़ी लोग इनहेरिट कर लेते हैं। तो ओवरऑल हाथ वाइज समझाएं तो जो बंदा ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल नजर आया, जो एंड में इवन सक्सेसफुल था, मतलब कि उन्होंने अपनी पूरी टर्म कम्प्लीट भी थी, वो दिलदारी थे। क्योंकि उनका जो ओवरऑल हाथ है ना, वो ना कोई आइडियलिज्म दिखाता है बल्कि क्लेवरनेस दिखाता है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो सेकेंड पहले जो है वो डेवलप्ड है, जो दिखाते हैं बिजनेस एबिलिटी। और फिर उसके साथ अगर आप देखेंगे जो ये थंब का ये वाला पोर्शन है वो वेस्टेड है, जिसका तो मतलब बहुत चलाक होता है। बस इनकी हेल्थ काफ़ी अभी बुरी जा रही है इनकी, जो इनको स्पेशली जो 80 की एज है ना, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था ये लाइफ लाइन को एक लाइन काट रही है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि हेल्थ वाइज इनका इतना अच्छा नहीं जा रहा। क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो आईलैंड ऐसे फॉर्मेशन दिखा रहा है, और ये फिर अभी ये 64 के हैं, तो जो इनका 70 to 80 होगा ना, वो पीरियड हेल्थ का बैटल में कंज्यूम हो जाएगा। 70 to 80 जो पीरियड है, तो टोटल इनका हाथ अगर आप ये भी देखेंगे, ये ओनली पर्सन है फैमिली में जो मतलब कि जिन्हें अपना पूरा टर्म भी कंप्लीट किया था, तो इन्हें 5 साल प्रेजिडेंट रहे। तो ये है क्योंकि ये ना आइडियलिस्ट हैं और ये काफ़ी चलाक हैं, और ये मतलब के जो बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी आइडियलिस्टिक है। और बिलावल का क्या कहते हैं, 40 के बाद फिर राइज ऑफ लाइफ होगा। ये पता नहीं अगर वो कभी मिनिस्टर बनेंगे, वो हाथ की फोटो नहीं थी, बट ओवरऑल उनका क्या कहते हैं कि हाथ जो है वो दिखाता है कॉशियसनेस वगैरह। तो वो जो भी चीज़ हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली वैसे नहीं होंगे, क्योंकि उनके हाथ में ना काफ़ी कंफर्ट लविंग हैंड है, मतलब कि जो लोग कंफर्ट प्रेफर करते हैं, लग्जरी प्रेफर करते हैं। तो वो अगेन रिस्क करने के लिए उसको एकदम से प्राइम मिनिस्टर बनना, और मतलब कि उनका उस तरह का हाथ ना उनके हाथ में इतनी चलाके जैसे जरदारी में, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। बट वैसे 40 के बाद उनकी लाइफ में कोई राइज आएगा जो वो अपने तौर पे अपने पैरों पे करेंगे, इंस्टेड के वो अपनी जो फैमिली नेम पे करेंगे। तो ये थी कंपैरिजन, ये मैंने बनाई थी वीडियो के दिखाने के लिए कि हाथ जो इनहेरिट होते हैं, जैसे अगर आप बिलावल का देखो वो ऐसे लाइन जो थी वो जुड़ी हुई थी, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का देखें और बेनजीर का देखें तो उनके यहाँ पे बार्स है, तो हम इनहेरिट भी करते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू हैड अ वेरी नाइस डे।